फ्रेंड्स, इस मौसम का मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि कब बरसात का मौसम आए और मैं नर्सरी से जाकर रंग बिरंगे पेड़ पौधे खरीद कर अपने गार्डन में ऐड करूं। फ्रेंड्स, पेड़ पौधे लगाने का यह बहुत अच्छा टाइम है। बरसात के मौसम में कोई भी पौधा आसानी से लग जाता है, तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए यह बेस्ट मौसम है। इस टाइम आप कोई भी प्लांट लगाओगे तो आसानी से लग जाएगा, और इस टाइम में बरसात के मौसम में बहुत तरह के रंग बिरंगे पेड़ पौधे मिल जाएंगे नर्सरी में। सभी प्रकार के प्लांट अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं अपने पास के लोकल नर्सरी के पास। ये जो नर्सरी है छपरा कचहरी स्टेशन जो है उसी के नीचे है ये छोटा सा लोकल नर्सरी, इसी में आज हम चलते हैं प्लांट्स के लिए। और इस टाइम यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के रंग बिरंगे प्लांट्स अवेलेबल है। देखिए पूरा नर्सरी खचाखच भरा हुआ है प्लांट से। चलिए यहाँ पे कुछ हम प्लांट्स भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये तुलसी का पौधा है और ये सम्मी का पौधा है। फ्रेंड्स, सम्मी का पौधा हम पूजा के लिए खरीदते हैं। और यहाँ पे ये देखिए चाइनीज पाम है, कुछ प्लांट्स का मुझे नाम भी याद नहीं है। यहाँ पे ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है और यहाँ पे कागजी नींबू है, इसमें छोटे छोटे फल भी लगे हुए हैं। और ये अनार का पेड़ है, यहाँ पे येलो कलर का क्रोंटोन की वैरायटी है। और यहाँ पे एरिका पाम है छोटे छोटे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे बहुत सारे प्लांट देखने को मिले, फ्रूट्स वगैरह का भी प्लांट मुझे मिला। यहाँ पे दिखने में छोटा था लेकिन प्लांट यहाँ पे बहुत सारा था, पीछे भी फ्रूट्स वगैरह के प्लांट थे। और ये देखिए यहाँ पे मनी प्लांट है और ये नारियल का पेड़ है छोटा छोटा। और यहाँ पे अनार का पेड़ और कुछ यहाँ पे फ्लावर है, देखिए ये रबर प्लांट है। और इसके बाद इसके आगे ये क्रोंटोन और डेफन वैली है। फ्रेंड्स, इतने सारे प्लांट रंग बिरंगे देखकर मन कर रहा था कि सब खरीद ले, इतना सुंदर ये सब लग रहा था। पर मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि मैं सब खरीद पाऊँ, और इतने सारे जगह भी नहीं है मेरे पास कि इतने सारे प्लांट मैं लगा सकूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बड़े वाले क्रिसमस ट्री हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये छोटे वाले क्रिसमस ट्री, ये येलो कलर में था हल्का और ये ग्रीन कलर में है छोटे वाले क्रिसमस ट्री। और ये एग्लोरनीमा है, और ये वाले प्लांट बहुत सुंदर लग रहे थे, गुच्छे में बंच में थे। और इधर भी है बहुत सारे मिक्सअप यहाँ पे प्लांट रखे हुए हैं। चलिए और कुछ प्लांट आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे आपको ये कुछ अरेनियम के भी प्लांट दिख जाएंगे, ये आपको 250 का एक पड़ेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे। अभी के टाइम में आप किसी भी नर्सरी में जाओगे तो बरसात के मौसम में सभी टाइप के प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं वेराइटी के प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, इधर दूसरे साइड में भी बहुत सारे प्लांट है, देखिए जेट्रोपा, कनेर और टिकोमा के प्लांट। और इधर देखिए बहुत सारे आपको रंग बिरंगे हाइब्रिड वाले हिबिस्कस के प्लांट मिल जाएंगे। और यहाँ पे चांदनी का भी प्लांट था, देखिए हिबिस्कस के प्लांट है, सब कटिंग से तैयार हुए हैं। और यहाँ पे ये चांदनी का प्लांट है छोटा छोटा, आपको 60 रुपये का एक पीस पड़ेगा। यहाँ पे गुलाब के भी बहुत सारे अलग अलग कलर में वेराइटी थे, देखिए ये गुलाब के कटिंग से। और साथ में यहाँ पे पॉट्स वगैरह भी, गमले वगैरह भी मिट्टी के मिल जाएंगे। और यहाँ पे खाद वगैरह पोटी मिक्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी खाद वगैरह यहाँ पे ये सब ये अवेलेबल है। मुझे नर्सरी से जो जो प्लांट लेना था मैंने ले लिया है, देखिए ये सारे प्लांट खरीद लिए मैंने, अब इन सबको हम घर लेकर चलते हैं। फ्रेंड्स, देखिए मैंने इतने सारे प्लांट खरीदे हैं, इन सबको मैंने अपने घर पे ले आया। अब मैं इन सब का एक एक करके नाम और प्राइस बताते जाऊँगा कि मैंने कौन कौन से प्लांट नर्सरी से खरीदे हैं और कितने का ये सब पड़ा है मुझे। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट आपको दिख रहा है यह जेट्रोपा प्लांट है, ये बरसात के मौसम में बहुत अच्छा फूल देता है। और ये मुझे 150 रुपये का पड़ा, इसका हाइट बहुत ज़्यादा था और यह घना भी था दिखने में, और इसके फूल गुच्छे में बहुत अच्छे लगते हैं, और ये मुझे 150 रुपये का पड़ा। फ्रेंड्स, ये जो दूसरा प्लांट आपको दिख रहा है यह ड्रेसिना की वैरायटी है, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था वहाँ पे, ये मुझे 60 रुपये का पड़ा। इसके जो पत्ते का कलर है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने ये प्लांट खरीद लिया। इसके बाद मैंने ये छोटा सा क्रिसमस ट्री खरीदा पॉट सहित, यह प्लांट मुझे 150 का मिला, हालांकि मुझे इसका दाम थोड़ा ज़्यादा लगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैंने प्लांट खरीदा इसका नाम शायद एक्डोमा है और ये मुझे 50 रुपये का पड़ा। और इसके बाद जो मैंने प्लांट खरीदा इसका नाम सॉन्ग ऑफ इंडिया है और ये मुझे 60 रुपये का मिला। इसकी पत्तियाँ दिखने में बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने इसे खरीदा। और इसके बाद मैंने ये क्रोंटोन की वैरायटी खरीदा, ये मुझे 100 रुपये का पड़ा पॉट सहित। इसको शायद बेगलोर क्रोटन बोला जाता है और ये मुझे 100 रुपये का पड़ा। इसकी भी पत्तियाँ दिखने में बहुत अच्छी लगती है और ये मुझे पॉट सहित मिला 100 रुपये में। इसके बाद मैंने ये कागजी नींबू का प्लांट खरीदा और इसमें देखिए बहुत सारे नींबू भी लगे हुए थे, इसमें करीब 10 नींबू लगे हुए थे प्लांट में, पर रास्ते में लाने में 4 नींबू टूट गया और ये मुझे 180 रुपये का पड़ा प्लांट। अब चलिए हम इन सबको हम मिट्टी में लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने कट कर लिया है, जो पॉली बैग लगा हुआ था इसको मैंने ब्लेड से साइड से कट करके इसको निकाल दिया है अच्छे से, देखिए जड़ टूटे ना। और इसको फिर हम इन सबको हम इसी टाइप से बाकी सबका भी हम कट कर लेंगे पॉली बैग को। और मैंने ये गमला रखा हुआ है, इसी में हम इन सबको लगा देंगे। फ्रेंड्स, प्लांट को लगाने के लिए जो मैंने पोटी मिक्स तैयार किया है इसमें मैंने 70% गार्डन सॉइल और 30% वर्मी कंपोस्ट यूज किया है।
इसके बाद हम प्लांट में से ये पॉलीबैग निकाल कर सारे प्लांट को गमले में लगा देंगे। फ्रेंड्स, दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इन सब का अपडेट। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।